हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्यास क्विक रेसिपीज। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही पॉपुलर और फटाफट बनने वाली आलू जीरा की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू जीरा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून जीरा, 3 से 4 कटी हुई मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 पिंच हींग, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून हल्दी। अब आलू जीरा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू और उनको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। यहाँ मैंने छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है। अब कढ़ाई में मैंने लिए हैं 3 से 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म होने पर हम डाल देंगे जीरा। अब क्योंकि हम बना रहे हैं जीरा आलू, तो यहाँ पे मैंने जीरे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है। अब ऐड करेंगे हींग, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसको 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। करेंगे हल्दी। मसालों को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सॉटे करें, इससे मसाले जलेंगे नहीं और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और अब इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आप आलू जीरे को इस तरह से सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ और मसाले भी ऐड कर रही हूँ थोड़ा टेस्ट और कलर इन्हेंस करने के लिए। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आलू जीरा को और टेस्टी और चटपटे बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अमचूर पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हमारा आलू जीरा रेडी है। धनिया के पत्तों से इसको गार्निश कर देंगे। तो देखा आपने आलू जीरा बनाना कितना इजी है और बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली रेसिपी है। इसे आप नाश्ते में पूड़ी या परांठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.